Good morning, student. Welcome to my YouTube channel, Sanju Arthareth Online Classes. Please, channel ko like kare, subscribe kare and share kare, jisse ki dusre bachcho ke paas bhi worksheet ka solution aasani se mil sake. To chalo, aaj hum week 19 mein class 3 ki English ki worksheet ka solution karenge. Topic rahega hamara preposition. Aur preposition ke andar hamare paas keval teen words hain, in, on, under. In, on, under. चलो शुरू करते हैं इन माने होते हैं चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं इसके अंदर प्रीपोजिशन यूज करना है ऊपर दिए गए आपके पास तीन प्रीपोजिशन है इन्हीं को आपको इसमें यूज करना है देन फर्स्ट क्वेश्चन द बियर इज इन द जंगल जो बियर है वो कहां है इन द जंगल है जंगल में है सेकंड क्वेश्चन अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री ये जो अब मैन है ये ट्री के अंडर द ट्री ट्री के नीचे बैठा हुआ है नेक्स्ट वन इज थर्ड अ कैट इज ऑन द चेयर जो कैट है किस पे बैठी हुई है ये चेयर पर बैठी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 की इज इन द लॉक जो की है वे ताले के अंदर है क्वेश्चन नंबर 5 Pillow is on the bed. जो pillow ये किस पर है? Bed पर है. तो यहाँ पर on use होएगा. 6. Rat is under the desk. जो rat है वो किसके नीचे है? Desk के नीचे है. Question number 2. Question number 2 में क्या पूछा गया है? Write T for true and F for false. False. First question है. The toy is in the box. जो टॉय है ये किसके अंदर है बॉक्स के अंदर है बिल्कुल सही है ये जो बॉक्स खुला हुआ है ये इसके अंदर क्या है ये टॉय इसके अंदर है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 द बॉल इज अंडर द टेबल जो ये बॉल है किसके नीचे है टेबल के नीचे है बिल्कुल ठीक है ऐसे आपको बिल्कुल ट्रू है क्वेश्चन नंबर 3 है द शूज आर ऑन द बेंच जो शूज है वो क्या बेंच के ऊपर है नहीं ये बेंच के ऊपर नहीं अंडर द बेंच है तो ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा ये आपका क्या है ये आपका फॉल्स होगा क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्रूट्स आर इन द बास्केट बिल्कुल से जो फ्रूट्स है वो बास्केट के अंदर है बिल्कुल ट्रू है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द पेंसिल आर ऑन द पाउच पेंसिल है पाउच के ऊपर नहीं नहीं ये अंदर है द पेंसिल आर इन द पाउच होना चाहिए ये आपका फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 6 द बुक्स इज अंडर द टेबल कि ये बुक्स है टेबल के नीचे है नहीं ये तो ऑन द टेबल है तो ये भी आपका क्या होगा फॉल्स होगा चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है रीड द गिवन क्लू एंड ड्रा द पिक्चर आपको पिक्चर बनानी है फर्स्ट है अ कैट ऑन द टेबल कैट ऑन द टेबल आपको क्या बनाना है कैट ऑन द टेबल आपके पास जो टेबल है टेबल के ऊपर क्या बनानी है टेबल के ऊपर आपको कैट की पिक्चर बनानी है क्वेश्चन नंबर 2 अ बॉल अंडर द टेबल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया होगा ना ये जो टेबल द बॉल इज अंडर द टेबल आपको ऐसे बनाना है जो आपकी टेबल बनी हुई ना इसके नीचे क्या बनानी है आपको बॉल बनानी है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऊपर कैट बनानी है और सेकंड में यहां पर आपको नीचे टेबल के नीचे क्या बनानी है एक बॉल बनानी है ठीक है और उसमें कलर भी कर देना आपको समझ में आ गया आज को आपको इंग्लिश की क्लास 3 की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझ में जरूर आ गया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों के पास जरूर भेजें ओके बाय